कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई, सबसे अच्छी कौन सी होती है? बोला ना, आप कमाई, आप कमाई, क्योंकि पापा से अगर कह दोगे ना, बेटा कह दे पापा से मुझे कि आईफोन चाहिए, तो बेचारे कहीं से भी पैसे लाएंगे उसे देंगे, बोलोगे मुझे ब्रांडेड 3500-4000 की चीज चाहिए, इससे नीचे नहीं पहनूंगा, तो पिता कुछ भी करेगा देगा। और एक बात याद रखना, जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर होता है। और जब पिता को ज्यादा परेशान करोगे, अगर MSc BSc कर रखी है तो बच्चन को पढ़ाए वो शुरू कर दो, 1500-2000 महीने आए ना, वो थान वालों कपड़ा ले और 1000-1200 को फोन चले हो, चुपचाप आराम से रहोगे, क्योंकि पिता की कमाई पर हर कोई ऐस कर लेता है। स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई है तो गुरु वशिष्ठ जो थे वो अपने चेले की बड़ाई करने लगे, बोले हमारा चेला बड़ा अच्छा है। विश्वामित्र बोले कि महाराज सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है, सावन भादों के दिन पाए के सरता भी बाहर बहती है, सोना क्या खूब चमकता है जब तलक दिखाओ आंच नहीं, ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो बोले हैं वशिष्ठ, चले जाओ। विश्वामित्र ने शूकर का भेष धारण किया और जब बगिया में घुसे तो महाराज सारी बगिया को उजाड़ दिया, माली गड़ाए उन्हें घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा, महाराज की जय हो, क्या हुआ? बोले आपकी बगिया में तो शूकर आ गया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, मैंने उसे मारा तो उसने मुझे घायल कर दिया, उसे मार दो चल के। तो कहा कि ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी बैठने के लिए जगह दे दो। क्या बोले राजा? अरे संध्या के समय
और ये इसी गांव से भैया 100 रुपए से सम्मानित करें बबलू यादव भैया, 100 रुपए से सम्मानित करें सुधीर यादव भैया, 100 रुपए से सम्मानित करें महेश यादव भैया। भगवान से कामना है कि ये गोविंद सुख और संपत्ति प्रदान हो। अवाला डोला छोड़ दियो, किसी भी बात की कमी न हो। भगवान धन के भंडार हमेशा भरते रहें। जो भी दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। राजा ने जब सुबह होते ही होते घोड़े को सजाया और जब बगिया की तरफ चला है तो जवानों से कहा कि सूकर निकलने न पाए। लेकिन वारे विश्वामित्र, राजा की छाती में एक लात जमाई है और निकल गई। आगे जाएगी विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। उधर से तो महात्मा आए रहे, तैसे राजा जा रहे। जब तो राजा ने कहा, महाराज की जय हो, प्रणाम करता हूं, आपने इधर सूकर जाते हुए देखा? बोले नहीं। क्या करोगे? बोले महाराज मैं अयोध्या नगरी का राजा हूं, उस सूकर ने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा।